कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द ही उतर जाएगा। अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख देना। कर्ज या ऋण का सर पर होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना भारी पड़ता है और पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार कष्टों का सामना करता है। कर्ज की वजह से मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह झेलने पड़ते हैं। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। कर्ज लेते वक्त ही समस्या के बारे में सोचने की, सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, नहीं तो इन मुश्किलों को टालना नामुमकिन सा लगने लगता है। हमेशा ध्यान रखें, आप कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज ना लें, क्योंकि इस दिन लिया कर्ज उतारने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। शनिवार के दिन ना तो कर्ज के लिए आवेदन करें और ना ही कर्ज के कागजात पर हस्ताक्षर करें। चर लग्न जैसे मेष, कर्क, तुला व मकर में कर्ज लेने पर शीघ्र उतर जाता है, लेकिन चर लग्न में कर्जा देन नहीं। कर्ज लेते समय चर लग्न में पांचवें और नौवें स्थान में शुभ ग्रह व आठवें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं हो, वरना कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। आठ अंक शनि का मन जाता है, तो 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज कभी ना लें। इन तारीखों पर लिया गया कर्ज आपके जीवन को मुश्किल कर देता है। कर्ज के आवेदन पर काली स्याही से हस्ताक्षर न करें, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कर्ज जल्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि कर्ज अगर लेना ही हो तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज ले। इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती। कर्ज के लिए आवेदन करते समय, हस्ताक्षर करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर से कहें, हे प्रभु, यह धन भी आपका है और मैं भी आपका हूं, इसे चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसे कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में व्यक्ति बुरी फंसता चला जाता है, कोर्ट कचहरी में उलझ जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में आप कुछ उपाय कर लें। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं है। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जरूर उतर जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ज मुक्ति के कुछ आसान उपाय। कुछ उपाय पान जो कि बीड़े में प्रयोग किया जाता है, उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी कार्यों में शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते उपयोग किया गया था, तभी से यह पत्ता हर शुभ कार्य में इस्तेमाल होने लगा। पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र और उपायों में भी इसे बेहद प्रभावशाली माना जाता है। माना जाता है कि बुध ग्रह का पान से गहरा नाता है। यह धन की मुश्किलों को भी दूर करता है। अगर आप कर्ज में बुरी तरह डूब चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है, तब पान के पत्ते का यह उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। उपाय करने के लिए एक साबुत यानी जो कटा फटा हुआ ना हो, ऐसा साफ सुथरा पत्ता लें। पत्ते का डंठल निकाल दे। हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है। उस पर 2 लौंग और 1 इलायची रखें। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीड़ा बना लें और मंगलवार की शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ पैर धोकर नॉनवेज मत हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें पान का बीड़ा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार को ये प्रयोग करें। किसी मंगलवार को अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है। इस दिन तामसिक पदार्थों का सेवन न करें, सात्विकता बनाए रखें। जल्द ही कर्ज चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे, आसानी से आप अरण मुक्त हो जाएंगे। याद रखें, हनुमान जी की शरण में जो आ गया, हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगा देते हैं, आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। अब एक दूसरा उपाय कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कर्ज लेने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आमदनी और किश्तों का मेल नहीं बैठ पाता, न पर्याप्त धन आता है, न कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं। जब संकट आता है तब कई बार अपने 4 साथियों को साथ लेकर आता है। नौकरी व्यवसाय में उसी वक्त दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, पैसे कहीं फंस जाते हैं, शुभ कार्यों में अड़चने आती है, सगे संबंधी मुंह फेर लेते हैं, लगता है कि आप चारों ओर से घिर चुके हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय जरूर करके देखें।
इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता ही लेना है। साबुत ताजा हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए, डंठल हटा लीजिए। इस पत्ते के चिकना साइड को नीचे कर दें और जो खुरदरे साइड को ऊपर करें उस रुखे साइड पर दो लौंग रखें। अब सावधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, जो जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। वो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा। जल्द ही परेशानियां दूर हो जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा। बहुत ही कारगर उपाय है, जरूर आजमा कर देखें। और एक उपाय जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं, आपके ऊपर अगर कर्ज बढ़ता जा रहा हो तो आप नवरात्रि में जितने दिन हो सके रोज पान के पत्ते पर ह्रीं लिखकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। नवमी के दिन आप उन पान के पत्तों को अपने तिजोरी में रख दें। एक छोटा सा उपाय बताते हैं, आप खुद या आपके घर की कोई भी सदस्य, कोई महिला सदस्य भी आपके बदले में कर सकती है, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को छुए नहीं। ऋण मुक्ति के लिए मंगलवार की रात एक विशेष उपाय किया जाता है। उपाय वाले दिन नमक ना खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं। रात में स्नानोपरांत 11 से 1 बजे के बीच में ये उपाय करना है। रात के समय चारों ओर शांति होती है और आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं। घर में हनुमान जी के सामने आप आसन लगाकर बैठ जाएं, दीपक जलाएं, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह प्रयोग नियमित रूप से आपको कम से कम 11 मंगलवार तक करना है। जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। 11 हफ्तों तक हर हफ्ते में एक दिन मंगलवार को आपको यह उपाय करना है और रात 11 से 1 के बीच ही करना है। जल्द से जल्द आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। पुरुष मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, महिलाएं लाल पुष्प अर्पित करें। घर में 3 बार सुबह शाम शंख जरूर बजाएं और प्रभु से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। आसान सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है ये। कर्ज मुक्ति के लिए कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं। आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पाठ कीजिए या कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो भी कर्जों से राहत मिल जाएंगी। कर्ज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। उपायों के साथ ही मेहनत, लगन और नियमितता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है। आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने का प्रयास जरूर करें। थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से अगर आप ऋण चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी। छोटी रकम ही सही लेकिन कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें, कर्ज जल्द ही उतर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।